जय श्याराम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 20 अक्टूबर 2021 को आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको उत्तर भारतीय लोग शरद पूर्णिमा के रूप से मानते हैं, मनाते हैं, और दक्षिण भारत के लोग जो है कोजागिरी कोजागर पूर्णिमा के नाम से उत्सव मनाते हैं। कोजागर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि महालक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, कोजागर दी, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, क्योंकि तस्मै वित्तं प्रयच्छामि यो जागर्ति महीतले, उसको मैं अपार धन संपदा, वित्त मतलब संपत्ति रुपया इत्यादि दूंगी, जो मही मतलब पृथ्वी पर जागरण कर रहा है इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में, इसलिए इसका नाम जो है कोजागर पूर्णिमा भी पड़ा। कल जो है सोमवार को सोम प्रदोष का पावन व्रत है, इसलिए आप कल जो है प्रदोष के व्रत का बड़ा ही महत्व है। इसके बाद में जो शरद की पूर्णिमा है, इसमें दो और अथवा कहें तो तीन विधि करने का बड़ा ही महत्व है। जैसा कि मैंने बताया, इस बार 20 अक्टूबर 2021 को प्राप्त हो रहा है बुधवार के दिन में, तो इस दिन संध्या वेला में जितने भी देवस्थान हैं, जैसे कि प्रारंभ होता है दरवाजे से, दरवाजे में अगर तुलसी जी बाहर है तो तुलसी जी का स्थान हो गया, पीपल का वृक्ष आसपास से वहां का स्थान हो गया, दरवाजे के लेफ्ट राइट साइड का जो है एंट्रेंस है वहां पर हो गया, इसके पश्चात मंदिर हो गया, किचन हो गया, स्नान घर हो गया, छत हो गया, मतलब टेरिस हो गया, जहां जहां वृक्ष इत्यादि हैं, हर जगह पूरा और आसपास मंदिर हैं, वहां भी जाकर के हमें दीप दान करना चाहिए, जिसका दिव्य दर्शन जो है वाराणसी में देखने को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास का आयोजन किया था, रास रचाया था, जिसके कारण जो है सभी जीव जंतु से लेकर के पुण्यात्मा तक सब धन्य हो गए। इसी में शिव जी भी जो है गोपी का रूप धारण करके पहुंचे थे। जितने भी वृत की देवियां थी, उनके मन में था कि मैं भी कन्हैया के साथ थोड़ा समय बिता पाऊं, उनका स्नेह पा पाऊं। सारे लोग उस दिन जो है गोपी के रूप में आकर के भगवान के साथ में सर्वोत्तम आनंद प्राप्त किए थे। तो इस दिन ये तो सब बहुत सारी कथाएं हैं और उसकी व्याख्या है, पर हमें क्या करना है, तो हमें भैया हो दो तीन कार्य करना चाहिए। एक तो हमें व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, लहसुन प्याज मांस मदरा इत्यादि सबका त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने भगवान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, अच्छा पकवान जो है उनको अर्पण करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, महालक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है, तस्मै वित्तं प्रयच्छामि यो जागर्ति महीतले, जो रात्रि में जागरण करेगा उसको मैं वित्त जो है अवश्य प्रदान करूंगी, मतलब दूंगी। तो भैया जागरण करना है। इसी दिन की जो पूर्णिमा है और चंद्रमा के किरणों के द्वारा अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इस दिन जो है जैसे कि प्रातः हमें आसपास कोई तीर्थ है तो वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। इसके बाद में कुछ हम और नहीं कर सकते हैं तो दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए, अथवा अपने भगवान की नित्य से ज्यादा कम से कम उनकी तो सेवा करनी चाहिए, पंचामृत आदि स्नान करा के तुलसी लता इत्यादि अर्पण करना चाहिए। संध्या वेला में जैसे कि मैंने बताया, पूरे घर को घी के दीपों से प्रज्वलित कर देना चाहिए। रात्रि में जो है महालक्ष्मी जी के जो हाथी पे सवार आरूढ़ विराजमान है, इंद्राज के साथ में उनकी पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद में गौ माता के दूध से बने हुए शुद्ध खीर का तो उत्तम तो यही है। ऐसा कि बहुत कठिन है तो ऐसा नहीं कि हम वो नहीं कर सकते हैं तो हम सामान्य भी ना करें, तो सबसे उत्तम तो ये है भैया, देसी गौ माता के दूध से मिट्टी के पात्र में और गोबर उपली आदि के द्वारा, कंडे छेनी के द्वारा हम खीर का निर्माण करें, उस खीर को भगवान को भोग लगाएं और अच्छे जो है पात्र में रख करके, कांसे इत्यादि तो नहीं लेकिन फूल इत्यादि के पात्र में रख करके सारी रात जो है भोग लगाने के पश्चात में छत के ऊपर में अथवा कहीं भी उच्च स्थान में खुले में उसको रख दें। अगर थोड़ा बहुत डर है तो बहुत पतला जो है मलमल का कपड़ा हल्का सा बहुत उससे हम ढक दें, नहीं खुला रखने का महत्व है, और बड़ा सा जो बच्चों को मच्छरदानी जाल नहीं होती छोटे बच्चों का, वो ऊपर से लगा दें ताकि किरणें उसमें डायरेक्ट पड़ती रहें, और प्रातः हमें ब्राह्मणों का जो है सम्मान करके भोजन तैयार करा के वो खीर का प्राशन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए।
तो हमें दीप प्रज्वलित करना है और इसके पश्चात खीर का भगवान को भोग लगाना है और प्रातः ब्राह्मणों को खिलाने के बाद हम नहीं खिला सकते हैं तो अन्न इत्यादि निकाल दिए और उसके बाद में हम ग्रहण कर लिए। इस दिन जो है घृत पूरित कांस्य पात्र का घी से भरा हुआ कांसे के बर्तन आया तो स्वर्ण पात्र का वो तो बहुत ही कठिन है लेकिन कांस्य पात्र के बर्तन का बड़ा ही महत्व है। रात्रि में भगवान के सामने रखें और प्रातः अपने आचार्य पुरोहित को उसको दान दें। अगर आचार्य पुरोहित नहीं ग्रहण करते हैं तो कोई भी गरीब ब्राह्मण हो जरूरतमंद ब्राह्मण हो उसको हमें दान कर देना चाहिए। किसको? पात्र को। तो इसलिए बड़ा अच्छा अवसर है, इसका हमें अधिक से अधिक लाभ लेना है और अवश्य लेना चाहिए। तो बंधुओं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। और हाँ, इसी दिन से जो है कार्तिक महीने का उपवास जिसको व्रत कहते हैं बहुत बड़ा महत्व है, प्रारंभ हो जाएगा पूर्णिमा तिथि से। इसके विषय में अगला वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।